हम लोग भी अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। सामान हमारा बिल्कुल रेडी ही रहा, बिल्कुल आने लगे सब लोग। ये दीदी और जिया जी, हम लोग यहाँ पे गरुड़ चट्टी के वहाँ पे वेट कर रहे हैं, बहन लोग आएंगे। जोई की नजर यहाँ पे देखो किसमें। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर। तो अभी हमने यहाँ पे पानी के स्रोत से हमने पानी ले लिया ठंडा ठंडा। किसी को रोटी, किसी को मक्खन चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को चटनी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी बजे हैं सुबह का 8:35 हो चुके हैं और चंचल लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए। और हम लोग भी अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। सामान हमारा बिल्कुल रेडी ही रहा, बिल्कुल। तो हम लोग भी निकल रहे हैं। पहले हम लोग दीदी के घर जाएंगे, तो उसके बाद वहीं से हम लोग निकलेंगे आगे को। और अभी हमको ज्वाइन किया हुआ है वर्षा और उषा की बेटी ने, तो आगे जाके अभी आनिया और आनिया की मम्मी भी हमको ज्वाइन करेंगे। हम लोग सब साथ जा रहे हैं आगे को। तो थोड़ी देर में बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पहले यहाँ से निकलते होटल से टाइम से, क्योंकि जाम लगने का डर है, नहीं तो फिर अटकेंगे बुरे। तो फटाफट निकलते हैं। आ चुके हैं 9:05 हो रहे हैं और सब लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। अभी सब लोग अपने घर जाने वाले हैं, तो सब लोग का नाश्ता चल रहा है। तो अभी श्रेया पापा दिया और श्रेया भी कर रहे हैं नाश्ता, तो मैं भी थोड़ी देर में करती हूँ, क्योंकि मैं बैठी हूँ जूही के पास। ये बदमाश सतानी कर रही है, कुकू कर रही है। देखिए जाने लगे सब लोग। ये दीदी और जिया जी, ये गीता जी हमारी। ओके भाई, मिलते भाई, बाय बाय। तो अभी हम लोग नाश्ता करके निकल चुके हैं दीदी लोगों के वहाँ से। और मौसम हो रहा है मस्त, बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, और साथ में आज वर्षा भी हमारे साथ, और वर्षा की बेटी तैयारी कुछ है। हमने साथ में भी आने दो। ये रहा मस्त वाला मौसम। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, पिछले के शेयर सोई है, दिया सोई है, और अभी जाम में। तो क्या क्या आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे गरुड़ चट्टी के वहाँ पे वेट कर रहे हैं, बहन लोग आएंगे। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश अभी चोपटा के लिए। तो हमारे ये बच्चे यहाँ पे हैं, ये देखो चिप्स खाने लगी है। जो मतलब खाते सादा खाना खाती थी, और अब ये इतना टूरिस्ट ने कर लिया कि अब जो हम खा रहे हैं वो सब खा रही है, और जो हम खा रहे हैं खासे चिप्स चिप्स खास और से अपना खाना नहीं खा रही है। हाँ, तो उसको ये वाला लग गया ना, मुझे भी खिलाया चिप्स वो हो रहे एकदम मजे से खा रही चिप्स। तो अभी हमें बंद मक्खन और चाय का इंजॉय लिया जा रहा है। जैसे डूब के पसंद है, ऐसे डूबो ऐसे कटक मारो। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ से राफ्टिंग के लिए जा रही हैं गाड़ियाँ, लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से राफ्टिंग के लिए। हम यहाँ पे रुके हुए अभी करीबन कितना हो गया, एक घंटा हो गया होगा ना, और आधा एक घंटा कौन ही आधा या कौन घंटा हो गया हमें रुके हुए अभी। और बस घर आते भी चलते हैं, बच्चों ने यहाँ पर नाश्ता कर लिया दोबारा। बंद मक्खन बंद, और देखो आम के पेड़ में सामने बंदर भी दिख रहा है, जहाँ था बंदरों का आतंक। उसको ये पता देखा कैसे पीते करके जो बंदर को देखे भौंक रही। ये बंदर भगाने वाला डॉगी है, बंदर भी नहीं डर रहा भाई इसको देख के। बंदर आ रहा है, अच्छा अच्छा गुस्सा कर रहा है बंदर, अच्छा मतलब गुस्सा कर रहा है वहां से वो देखो। चलो चलो चलो, नो नो जो नो, चलो। अभी हम लोग रुके हैं सौर पानी में, और यहाँ पे अंकल हैं एक जो होटल के, जहाँ पे रुके। तो वो जो हम मस्त खेल रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है जो इधर खेलने में। कभी डॉगी कभी छोरी कोई खेली, जो भी मस्त खेली अंकल के साथ लगे अंकल। तो ये बच्चे रहे, बच्चे रहे जोई की नज़र यहाँ पे देखो किसमें। यहाँ पे मुर्गियाँ और मुर्गे हैं ना, इनमें नज़र है वो कुकड़ू कुकड़ू है। जोई सोची अभी मैं लपकू और पकड़ लूँ पिटक से मुँह में, अदला उसे ठुंडा मार के जोई को मार के जोई के गाँव बना दिए।
ये कड़कनाथ है। तो अभी हमें आने लोग भी मिल चुके हैं यहाँ पे, तो हम लोग अब आगे को जाएंगे। और अभी हमें हम लोग कर रहे हैं दाल चावल एंजॉय और मैगी। मैं सामने बैठी है, आएगी नहीं, नहीं तो लाख रुपए मांगी है उससे। मैगी खा रही है मस्त तरीके से, तो मैगी खा रहे हैं हम, दाल चावल खाएंगे। इसकी जैसी इसको चिढ़ा रहे तो इंजॉय करो थोड़ा मैगी। ये रहे हमारे यूनो और जू की भी यहाँ पे, ये यूनो और जूनो, जूनो और जू आगे को। और दिया और जोई शिफ्ट हो गई बहन की गाड़ी में साथ में, और बच्चे यहाँ पे। और अभी धूप ना खूब मस्त हो रही, चटक वाली धूप लगी हुई है। अब देखिए गर्म तो अभी हो ही रहा है, ठंडा पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। और यहाँ पे दो नदियों का संगम देखेंगे, इतनी सारी भीड़ हुई है यहाँ पे रोड पे जस्ट, और ट्रैफिक भी अभी हो रहा है। अभी कहाँ से देख पाएंगे, ट्रैफिक हो रहा है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है यहाँ पे, तो बस हम लोग सोचे थे थोड़ा सा रुकेंगे और देखेंगे यार वहाँ पे, पर यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हुआ था तो इसलिए हम लोग नहीं देख पाए। यहाँ से दिखेगा नदी, दिखेगी यहाँ नदी तो दिख रही है सामने, संगम नहीं दिख पा रहा, संगम उधर पे था पीछे रह गया मेन उसमें सिटी में। तो निकल चुके हैं हम थोड़ा सा आगे देवप्रयाग से भी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर, काफी बड़ा श्रीनगर लग रहा, पहली बार देख रही हूँ श्रीनगर को। पूरे नदियाँ गला पानी आ रहा है, पानी गंदा पानी आ रहा है, हो रही होगी ना तभी तो इतना खतरनाक गंदा पानी आ रहा है। तो लागे को बड़े बहन लोग भी आगे निकलेंगे यहाँ पे, हम भी चले जाएंगे, थोड़ा डूब गए थे हम यहाँ पे। नींबू पानी तभी हमें रुक चुके हैं, लेमन सोडा के लिए। देखो पति देव लेमन सोडा बनवा रहे हैं। डालो डालो भैया, सोडा तो लगी नहीं रहा, पहले चखो यार तू। ये पुराना तो नहीं, मत डालो पानी बन गया, पानी सोडा पानी बन गया। पानी डालो लेमन सोडा पीते पीते, अब नींबू पानी पी रहे हैं। बर्बाद मत करो अंकल पानी, बर्फाला होगी। हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे इसकी यहाँ मार्केट है फिलहाल तो जो मुझे दिख रही है। तो अभी हमने यहाँ पे पानी के स्रोत से हमने पानी ले लिया ठंडा ठंडा, हाथ को भी धो लिया है थोड़ा सा, पानी मज़ा ही आ रहा है यार, ना मुझे दे दो पानी। अभी हम लोग हाथ में धो करके आगे निकले, तो मस्त वाला ठंडा अच्छा हो रहा है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अगस्त मुनि, तो इससे आगे निकल रहे हैं अगस्त मुनि से आगे, पीछे वालों को दिख रहा है छुटकी का। बहन लोग आ गए हैं गाड़ी पे, श्रेया अनिया और बहन आ गए गाड़ी पे, हम पीछे रह गए। अभी हम लोग ऊखी मटोली रोड पे हैं, और जस्ट सामने वो देख रहे होंगे बस जहाँ पे दिख रही है वो है केदारनाथ वाली रोड, और ये सामने हमारी है ऊखी बट। हम लोग जो जा रहे हैं चले गए तुंगनाथ के लिए, तो
पता है केदारनाथ भी कुछ गाँव होगा, वही तो काफी बड़ा है ये, क्या पता हाँ ऐसा हो सकता है पैदल जाते हो ऐसा हो सकता है। अभी हम लोग चोपटा से 20 किलोमीटर पहले रुके हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट पे, थोड़ा सा चाय कॉफी लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। और ये सामने ये बता रहे हैं कि यहाँ पे तुंगनाथ वाली रोड है बोले सामने पूरी, तो हमने ही जाना, क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है ऐसे। और अभी थोड़ा थोड़ा सा ठंडा भी होने लग गया, देखिए सुंदर लग रहा है ऐसे। यूकी चलो जुनू आ गया, ये जूनी और जोई को देखो इनका अलग ही खेल चल रहा है और यूकी का भी अलग ही चल रहा है। तो चाय हमने पी ली है, कॉफी हमने पी ली है, चाय कॉफी हो चुकी है, तो अब हम निकलते हैं आगे। अभी बज चुका है 7:30 और अभी हम लोग पहुंचे नहीं है अपने स्टॉप पे, चल रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गूगल पिट्टा, जगह का नाम है, ये चोपटा से 7 किलोमीटर पहले है। कल सुबह निकले हम लोग चोपटा के लिए और अभी हम लोग आज यहीं स्टे करने वाले हैं। तो ये हमारे रूम इधर, एक इधर है, एक इधर है, बच्चे इधर रूम में मस्त उधर घूम रहे, एक इधर घूम रहे, गद्दे आ गए, रुचि गद्दे आ गए, खा लो। वाह 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 वाह, बज रहा है 9:23 और यहाँ पे चल रहा है हमारा डिनर। डिनर में है रोटी, दाल, मिक्स सब्जी और सलाद, और जो रोटी है चूल्हे की रोटी है, और चावल देखो शायद वो पसंद हो रही है। और यहाँ पे बच्चे लोग सब खा रहे हैं यहाँ पे, और ये हम लोग, मक्खन नहीं है उनमें, नहीं है, चलो है मक्खन दे दो, किसी को रोटी, किसी को मक्खन चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को चटनी चाहिए, जोई को भी खिलाना। रोटी बहुत प्यारी, प्यारी बहुत अच्छी है रोटी, प्यारी हो रही है, बहुत टेस्टी, प्यारी हो रही है। हाँ चूल्हे की रोटी टेस्टी होती है, हाँ तो चूल्हे की रोटी का अलग ही स्मेल आता है ना बेटा। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना डिनर, डिनर हमारा हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं रूम पे सोने के लिए। और अभी बजा है 10:11 और यहाँ पे कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, ना पे जियो कर रहा है, ना BSNL कर रहा है, ना आइडिया कर रहा है। अब एयरटेल तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हमको अंदा नहीं आ रहा, 3 सिम हमारे पास है, 3 के दिन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, 2 दिन मतलब इंटरनेट से कट ऑफ रहेंगे। हाँ और ये देखो गर्म कपड़े पहने क्योंकि ठंडा हो रहा है, मैंने भी स्वेटर में आ चुकी हूँ, शहर भाव भी यहाँ पे उलझ मच चुके हैं, डीओ भी आ चुकी है। तो अभी हम कर रहे हैं सोने की तैयारी और बहन लोग जस्ट बगल रूम पे हैं, तो बस सोते हैं, फिर कल निकलना है सुबह जल्दी। हम सोच रहे 5 बजे का टाइम देंगे बच्चों को, तब जाके 6 बजे से 7 बजे तक तैयार होंगे। और आगे को मौसम भी बोले कि अगर ख़राब रहा तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो मौसम को देखते हुए ही करना है आगे को सब चीज़। तो सोते हैं फटाफट, बस सारी नींद तब जाके उठेंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग की पेंडिंग करी, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।